वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल अब दूर नहीं है। तुम निराश नहीं हो सकते, तुम हार नहीं सकते, तुम थक नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो धरती पर मानव जीवन के अस्तित्व की एकमात्र बुनियाद। तुम धरती पर हो देवता, अन्न देवता, अन्न देवता यानी हमारे किसान। किसान जीवन को बनाए रखने की सबसे बड़ी जरूरत भोजन को मुहैया कराते हैं। खेती किसान के जीवन का आधार है और उसकी फसल यानी अनाज हमारे जीवन का आधार। अगर किसान हार गया तो हमारे जीवन की बुनियाद ही खतरे में पड़ जाएगी, और इसी बात को समझा है आईमा एग्रीमैक ने। आईमा एग्रीमैक एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो किसान परिवार से जुड़े युवाओं को वापस खेती से जोड़ने का मिशन है। दरअसल पारंपरिक खेती आसान नहीं है, वो कुदरत के साथ एक संघर्ष है जिसमें मदद भी कुदरत से ही लेनी है। उसमें जरूरत है मेहनत की और धीरज की, लेकिन आज के दौर का युवा उस मेहनत वाले तरीकों से गुजरने की बजाय रोजगार के दूसरे आसान तरीकों की ओर मुड़ने लगा है। ऐसे में आईमा एग्रीमैक की मुहिम है कि खेती में लगने वाली मेहनत को कम किया जाए मशीनों और यंत्रों के जरिए, और युवाओं को खेती से नए सिरे से जोड़ा जाए। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें दुनिया भर की कंपनियां भारत के साथ मिलकर हर दो साल में एक समारोह का आयोजन करती हैं। इसमें वो भारत के किसानों और यहाँ के कृषि व्यापार की जरूरतों के मुताबिक मशीनें लेकर आती हैं, जिससे किसानी की राह को थोड़ा आसान बनाया जा सके। इस समारोह का आयोजन फिक्की और फेडरयूनाकोमा संयुक्त रूप से भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की साझेदारी में करते हैं। इसमें इनके सहयोगी के रूप में जॉन डेरे जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी वाली कंपनी भी भाग लेती है। देखिए, हम आईमा एग्रीमैक में 2009 से फिक्की के पार्टनर रहे हैं, और हम लोग लगातार उस शो में नई आधुनिक तकनीक क्या होनी चाहिए, हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है, वो लगातार लेके आते रहे हैं। कॉटन का हमने यहाँ पे लोकार्पण किया, शुगर केन हार्वेस्टर का लोकार्पण किया, ये सारे हमारे जो मॉडर्न मशीन्स हैं आईमा एग्रीमैक में। अब लास्ट ईयर जो 2015 दिसंबर में उसमें था, तो हमने परमा क्लच का लोकार्पण किया यहाँ पे। ये टेक्नोलॉजी जो है किसानों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। अभी ऑटोमोबाइल में नहीं है, लेकिन हम ट्रैक्टर में भी ले आए हैं उसको। तो जो लगातार ड्यूरेबिलिटी का किसानों को इश्यू होता है, वो इससे उनको नहीं होता है। लगातार वो 3,000-3,500 घंटे ट्रैक्टर चला सकते हैं और क्लच में कुछ होगा नहीं उनके। 12 अप्रैल 2017 को दिल्ली के द पार्क होटल में 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन आईमा एग्रीमैक इंडिया 2017 का कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसमें मौजूद फेडरयूनाकोमा की तरफ से ऐसे समारोह आयोजित करने वाले निदेशक मार्को अकरबी ने बताया कि भारत में कृषि में मशीनों के इस्तेमाल पर निवेश की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आईमा एग्रीमैक इस दिशा में बहुत ही बेहतरीन कदम है। खेती की राह को सरल बनाने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों का लाभ समाज के पहले से संपन्न और अमीर किसानों को ही मिला। लेकिन इस नई पहल का मकसद ऐसे किसानों तक लाभ पहुंचाना है जो बहुत छोटी जोत के मालिक हैं, या उनके पास खेती की मशीनों में लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। बिना देखे, बिना टच एंड फील वाली बात होती है, बिना देखे आप किसी टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को इंडिया ला के या इंडिया में सोच के उसको कस्टमाइज तरीके से डेवलप करके आप लॉन्च नहीं कर सकते जो कि हेल्पफुल हो फार्मर के लिए। अभी हमारी कंट्री में जो भी काम हो रहा है वो उस तरीके से हो रहा है कि एक पेनिट्रेशन जो फार्मर की है वो हायर सेगमेंट पर काम हो रहा है। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उसके ऊपर पेनिट्रेशन अभी ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ये शो के माध्यम से
चीज़ों को आगे लेकर आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं. दैट देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर टेक्नोलॉजी फॉर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट कैन इम्प्रूव द यील्ड पर हेक्टर which is the main criteria by which we consider agriculture. You need to improve the yield per hectare to improve the livelihood of the people. Mm. That is the need of the hour. We started this collaboration in Fiki way back in 2007-2008. Mm. Since the beginning, we met the need from the industry for an event specifically dedicated to mechanization. So we clubbed together the expertise of FICCI with the Indian market, the expertise of we gained with the brand EIMA, the exhibition we organize in Italy, and we created this event, EIMA Agrimach, which wants to be the, and is. भारतीय नौजवान जो खेती से भागने लगा है, उसे किस तरह खेत में वापस लाया जाए? विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत सरकार देश के किसानों की जरूरत के मुताबिक मशीनें मुहैया कराने की कोशिशें कर रही है. वैसे भारत सरकार भी इस दिशा में पहले से ही कई योजनाएं चला रही है. एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में हमने जो कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाया है, उस कस्टमर हायरिंग सेंटर में बहुत से यंग ग्रेजुएट लड़के जो इवन मैनेजमेंट किए हुए हैं, IIT किए हुए हैं, वो इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमर हायरिंग सेंटर को डेवलप कर रहे हैं. आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसान जो है वो जो पुराना किसान था, अनपढ़ था, उसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन एग्रीकल्चर का जो खेती है बहुत टेक्निकल हो गई है आजकल, और उस टेक्निकलिटी को जानने के लिए पढ़ा लिखा फार्मर ही उसको चला सकता है इफ़ेक्टिवली और उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है. इसलिए अब यंग बच्चों का खेती की तरफ रुझान होना ज़रूरी भी है और कुछ लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी खेती जो है यंग ग्रेजुएट ही करेंगे और यंग ऐसे लड़के करेंगे जो टेक्निकल स्किल हैं. भारी भरकम आबादी के चलते भारत के औसत किसान के पास जोत बहुत छोटी है और उसमें पैदावार की भी अपनी एक सीमा है. नतीजा, किसानों की कम आमदनी. ऐसे हालात से निपटने के लिए बहुत सी कंपनियां आगे आई हैं, जिन्होंने छोटे किसानों को ध्यान में रखकर और उन्हें हर तरह से लाभ पहुंचाने का काम शुरू किया है. हम एक ग्लोबल कंपनी हैं, हम करीब 180 साल से केवल इसी में काम कर रहे हैं. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जो तकरीबन 3 करोड़ रुपए प्रति दिन R&D में निवेश करती है. यानी कि हम लगातार ये देखते रहते हैं कि उस प्रदेश, उस क्रॉप, उस देश के अनुकूल क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं 460 हॉर्स पावर की भी, जो कि बड़े बड़े खेतों में बड़े मॉडर्न और स्पीड से काम करने में उपयोग होती हैं. लेकिन हमारे पास साथ में 35 हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर है जो हिंदुस्तान में ज़रूरत होती है. हमारे पास छोटे कल्टीवेटर्स हैं, छोटे रोटावेटर्स हैं, सीड ड्रिल मशीन्स हैं जो हम अपने पार्टनर्स के थ्रू बनवाते हैं और हिंदुस्तान में बेचते हैं. तो वैरायटी हमारी इतनी है कि फ्रॉम 35 हॉर्स पावर टू 460 हॉर्स पावर वी कैन केटर टू एवरी टाइप ऑफ मार्केट. हर तरह के मार्केट, हर तरह के फार्म सॉल्यूशंस और हर तरह के क्रॉप को हम सॉल्यूशन देने में सक्षम हैं. मौजूदा सरकार ने भी देश के किसानों की मुश्किलों को समझते हुए किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सभी विभाग तरह तरह की योजनाएं भी बना रहे हैं और अमल में भी ला रहे हैं. खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ाना भी इन्हीं योजनाओं का हिस्सा है. जो इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल है बड़े फार्म के लिए, उसके उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा हुआ. और इसके अलावा छोटे किसान बड़े बड़े जो इम्प्लीमेंट्स है उसको खरीद नहीं पाते हैं, और बड़े मशीन के लिए जो व्यवस्था है हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का, उसको और कैसे मजबूत किया जाए और क्या तरीका हो सकता है. और यूथ को खास करके, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ को एंगेज करते हुए, उसको काम देते हुए और उसको फ़ायदा दिलाते हुए किस एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को कैसे बढ़ावा दे सकता है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ. और मैकेनाइजेशन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए उस दिशा में हमें जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा और विभिन्न संस्थान के द्वारा, उसके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा हुआ.
किसानों के बीच मशीनों को लोकप्रिय बनाने की इस पहल में आईमा ने तो अपना पहला कदम उठा लिया है, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि इस मुहिम का दूसरा कदम किसानों की ओर से उठे। आज जरूरत है ऐसी पहलों पर किसानों के जागरूक होने की और खेती में कुछ नया सीखने की ललक की, जिससे खेती की दुनिया में क्रांति आए और देश की खेती एक नई सुनहरी ऊंचाई पर पहुंचे।